राम राम भाई, आज मेरा 75 वाट का पहला दिन और पहले दिन मेरा स्वागत हुआ बारिश से। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बारिश बंद होगी, वार्म अप स्टार्ट कर दिया। आज हम करेंगे लेग वर्कआउट। सबसे पहला 500 बैठक, 200 सुमो स्क्वाट, 200 लंजेस और 50 रेपिटेशन सिंगल लेग स्क्वाट। फिर अपना देसी मैट बिछाकर हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। और वर्कआउट के बाद का पंप आप देख सकते हो, वर्कआउट में थोड़ी कमी महसूस होती है। एक सपाटे का सेट मार दिया सोखा और उसके बाद घर जाकर भाई बादाम पिए और फिर रोटी खा के मैं चला गया था ड्यूटी पे। दूसरा वर्कआउट करे हमने ट्रैक पे, 30 मिनट रनिंग और थोड़े से रेसलिंग के मूवमेंट और स्ट्रेचिंग करके मेरा वर्कआउट समाप्त। सेव खाने का मन था पर रेट सुनकर वापस आ गया। घर आके मैंने प्रोटीन पिया, फिर मैंने खाई रोटी, फिर नहा धोकर मैं अपने दिन के लास्ट चैलेंज पे पहुंच गया जो था गीता पढ़ना। आज हमने गीता में पढ़ा कि शरीर नाश्वर है पर आत्मा नाश्वर नहीं है। अगर शरीर मर जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो इसलिए हमें इन भौतिक चीजों का शौक नहीं मनाना चाहिए। और मेरे दिन का एंड हो है एक बनाना और 1 किलो दूध। आज के सारे चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिए। जय श्री राम।